बच्चों की रिकमेंडेशन पे बच्चों ने एक ऐसा टॉपिक रिकमेंड किया है जो एंट्रेंस से रिलेटेड नहीं है। मावला क्लासेस जिस तरीके से वीडियो बनाती है वैसा नहीं है। टॉपिक लिया है BCA क्वेश्चन पेपर पैटर्न। बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर हमारे एंड एग्ज़ाम आ गए, हमने पढ़ाई नहीं की है, तो कुछ ऐसा बताइए। उनको एक्सपेक्टेशन है मुझसे, कुछ सर बताएंगे तो उसको फॉलो करेंगे तो अच्छा कर जाएंगे, ये फेथ है, ये अच्छी बात है, थैंक यू। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बताएंगे। तो बच्चों करना क्या है, आप तैयार हो गए? सबसे पहले मुझे लगता है कि मंडे या ट्यूसडे से आपके एग्ज़ाम होंगे। अगर आप सैटरडे को हैं या संडे को हैं तो अभी भी आपके पास अगर 4 दिन है, 3 दिन है सपोज, अगर आप बचे हुए हैं तो बात बता रहे हैं, अगर 1 दिन बचा हुआ है तो स्टडी चेंज होगी। 3 दिन है सबसे पहले, अगर 3 या 4 दिन अगर आपके पास हैं तो देखिए 5 पेपर में सबसे टफ कौन सा पेपर है, उन 2 पेपर्स को या 1 पेपर को पहले क्या है थोड़ा सा पढ़ के रख लो। अब अगर सपोज आपके पास ट्यूसडे को एग्ज़ाम है, अब आप संडे नाइट से शुरू कर रहे हैं, तो अब आप ट्यूसडे वाले एग्जाम को, अब उसी वाले पेपर को देखो जो पेपर आने वाला है। इससे पहले जब पेपर की तैयारी कर रहे हो, उससे पहले सबसे पहले तैयार करिए मटेरियल। तो सबसे पहले आप अपने पास मटेरियल ले लीजिए अच्छे से, अच्छा डिसाइड कर लीजिए कि ये चीज़ यूट्यूब से पढ़नी है, ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, ये चीज़ क्लास नोट्स पढ़नी है। अब एक्स्ट्रा मटेरियल बिल्कुल हटा दीजिए जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो। अब मटेरियल आपके पास आ गया, अब आप पेपर देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो पेपर एनालिसिस हम बता रहे हैं, पेपर देखिए तो 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड हुआ है। सबसे पहले लॉन्ग सेक्शन पे जाइए, उसका रीजन क्या हम बताएंगे। लॉन्ग सेक्शन में देखिए कि क्वेश्चंस किस टाइप बन रहे हैं। अगर 10 साल के पेपर हैं, 5 साल के पेपर, देखिए बार बार क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आप किसी भी तरीके सब कुछ छोड़कर उन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। फिर बी सेक्शन पे आइए, उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आ रहे होंगे, इनमें तैयार हो गए वो और इनमें तैयार हो गए वो। अब ये दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करेंगे तब आप शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं आपके पास 10 या 15 ऐसे आ रहे हैं जो 10 के लगभग आते हैं, आप देखेंगे इनके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे सेगमेंट यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, क्या है कि इनके आए हुए क्वेश्चंस आप कलेक्ट कर लीजिए। 10 साल में आप कलेक्ट करेंगे तो 2 या 3 दिन कलेक्ट करके आपके पास 30 या 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इनमें कलेक्ट करेंगे तो आपका टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। उन टॉप 30 क्वेश्चंस या टॉप 20 क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से करिए, बिल्कुल अच्छे से, कहीं से ही पूछ दे, किसी तरीके घूम के पूछ दे, आपको वो कर लेने हैं, उनको ही आप मेमोराइज करिए। फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको नहीं देखें, क्योंकि क्वेश्चंस का कंटेंट बहुत सारा है, मगर आप ये देखेंगे नहीं कि उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जब आप देखेंगे इनमें शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे बने हैं तो आप देखेंगे वही जो लॉन्ग आपने क्वेश्चन याद किया है उसी में कहीं ना कहीं छोटे छोटे की पॉइंट्स क्या है यहाँ पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन पे ना फोकस करके, पूरी बुक्स पे ना फोकस करके, सबसे पहले निकाल लेने, सबसे पहले क्या बोला गया था, मटेरियल। अभी आप लग जाइए कि मटेरियल पहले से ढूंढिए कि सबसे अच्छा मटेरियल कहाँ पे है और कैसे पढ़ना है हमें, वो प्रॉपर एग्जैक्ट होना चाहिए। अब आपके पास ट्यूसडे का एग्जाम है तो संडे नाइट मतलब शाम को आप प्रॉपर बैठ जाएं, पूरी आपको रात लगेगी और पूरा दिन लेंगे, फिर दूसरी रात जो आप आएगी ट्यूसडे से पहले ही वाली उसमें आपको रिविजन करना है। यानी कि कल शाम तक आपको पूरा स्कैन कर लेना जाना है, मतलब 90% आपका होना चाहिए। ये सेक्शन तो आपके पूरे होने ही चाहिए, मतलब कहीं से भी ये सेक्शन आए तो आप क्वेश्चन लगा लेंगे, ये एश्योर कर लें। फिर आप क्या करेंगे, इन सेक्शन को देख लीजिए, क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे बन रहे हैं, इन क्वेश्चन को कैसे बन रहे हैं, इन्हीं में ढूंढिए, इन्हीं में वो आपके पास सारे जवाब होंगे, और जब आप इतना कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। आप इनमें स्ट्रांग बन रहे हैं और ये सेक्शन को लीपापोती करके आ रहे हैं, कहने का मतलब आपने क्या किया, लॉन्ग क्वेश्चन जबरदस्ती बना दिया है। उससे होता क्या है कि टीचर इस क्वेश्चन को रीड करके देखेगा कि किस तरीके से आपने बनाया है, इनकी मार्किंग कम कर देगा, समझ रहे कि नहीं। तो सबसे पहले सबसे अच्छे तरीके से आपको प्रॉपरली इन पे फोकस करना है, और जो टॉपिक सबसे ज़्यादा टफ लग रहे हो उन टॉपिक को अगर आपके पास 1-2 दिन एक्स्ट्रा हैं तो सबसे पहले उनको स्ट्रांग कर लीजिए। और हर एक टॉपिक में 1-1 दिन का गैप दिया होता है, गैप इसीलिए दिया जाता है कि आप रिवाइज कर पाएँ और आप प्रॉपर रेस्ट भी कर पाएँ। और एकेडमिक और कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे MCA एंट्रेंस और एकेडमिक, दो बातें अलग अलग तरीके की अप्रोच है, अलग अलग तरीके की तैयारी है। जब भी आप कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम देने जाएँ, जो बच्चे को अभी अगर BCA पढ़ भी रहे हैं वो कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम देने वाले, तो ध्यान रखें कि आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम से पहले 2 दिन के बाद पढ़ाई नहीं करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, प्रॉपर रेस्ट लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स कूल होके जाना है आपको वहाँ पे, क्योंकि आपको वहाँ पर पता ही नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, पता ही नहीं है आपको ब्रेन, और ये आप बहुत एक्टिव होना चाहिए, रिलैक्स होगा तभी ये काम कर पाएगा।
और बीसी वाले एग्जाम में आपको रात भर पढ़ाई करनी है, बस उतना ही सोना है, बस थोड़ा सा, बस बॉडी क्या है हीट ना जगड़ जाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, वॉमिटिंग सी ना लगे, तबीयत ना खराब हो जाए, और आपको रटना है। कहने का मतलब आपको पूरा पूरा रट लेना, पूरा स्कैन करना है आपको, बस वहाँ पूरा रट के बस ये देख लेना। और एक सबसे बड़ी बात, जब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप ये नहीं समझ पाते कौन सा क्वेश्चन और किस क्वेश्चन से किसका सोल्यूशन सब मिक्सअप हो जाता है। तो ये बात जरूर है, पेपर से पहले दो घंटे अगर आपके पास टाइम है तो जरूर एक बार आप रिलैक्स होकर ये दिमाग रख लो कि यार ये वाला क्वेश्चन का आंसर कहाँ देना है, इसका आंसर कहाँ देना, कौन सी बात कहाँ पे कंटेंट की, ये मिक्स ना हो जाए। पता लगा बाद में हम बहुत सारे स्टूडेंट से बात करते हैं, सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो ये लिख के आ गए, जबकि ये किसके था। ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है बीसीए में, शायद आप हंस रहे होंगे, ऐसा हुआ होगा, बहुत बार हुआ, मेरे साथ हुआ है, अगर हुआ है तो आप फीडबैक दीजिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि प्रॉपर एग्जैक्ट ऐसी स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए पेपर में। आज पेपर एग्जाम दे के आए, आराम से थोड़ी देर आप रिलैक्स करिए, सोइए, फिर दूसरे दिन शाम को लग जाइए, और फिर पूरे दिन आप पढ़ाई करिए, और दूसरी शाम को आप रिवीजन पे पूरा सब क्लोज कर दे जितना पढ़ चुके हैं, और आप पूरा रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद एक बार आप एक डेढ़ घंटे रिलैक्स रहिए, सोचिए कि हमने पूरे पेपर में कौन कौन सी बातें कौन कौन सी आ रही हैं, और कहाँ कहाँ पर हमने क्या क्या याद किया, कहाँ क्या लिखना है, बस सेट कर लीजिए, आराम से बस जाके एग्ज़ाम को कॉन्सेंट्रेट होके दीजिए, बहुत अच्छा होगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल नहीं। यार तैयारी कर रहा हो, अगर एमसीए की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हो, तो एकेडमिक एग्जाम अच्छे होंगे, और जितने परसेंटेज पहले आए हैं उससे अच्छे आएंगे, और मुझे लगता है कि 15 दिन बाद सारे एग्जाम सबके ओवर हो जाएंगे, तब हम फीडबैक लेंगे, देखो आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। होगा, ज़रूर होगा, पक्का होगा, भरोसे के साथ होगा, आप मावलाज हैं, अच्छा ही करोगे। थैंक यू, कैसा लगा वीडियो बताइए।